बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जो सदाबहार हैं, जिन्हें कितनी बार भी देखा जाए मन नहीं भरता। ऐसी ही फिल्मों में से एक है मोहब्बतें। इस फिल्म को रिलीज हुए 17 साल हो गए हैं। ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। यहाँ तक कि इस फिल्म के गाने भी लोगों को काफी पसंद आए थे। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको हैरानगी भी हो। खबरों की माने तो मोहब्बतें में यश चोपड़ा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी एक छोटे से रोल में लाना चाहते थे, और ये रोल था अमिताभ बच्चन के सौतेले बेटे का। हालांकि बाद में उनके रोल को खत्म कर दिया गया। जानकारी दे दें कि इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शाहरुख ने मोहब्बतें बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन की थी। मोहब्बतें में यश चोपड़ा का सबसे फेवरेट सीन वो था जब शाहरुख खान आसमान की ओर देखते हुए तीन बच्चों के स्कूल से निकाले जाने का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। अगर आप इस फिल्म के प्रशंसक हैं तो आप ये भी जानते ही होंगे कि फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज आर्यन था और उस वक्त शाहरुख के बेटे आर्यन 2 साल के थे। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।